हालेलुया। चमत्कार सच टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, 1 अप्रैल को रात 8 बजे, 1 अप्रैल रात 8 बजे हम ऑनलाइन प्रभु भोज देंगे, और आपको अपने पास क्या रखना है वो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ। पवित्र वचन में प्रभु भोज के बारे में बहुत स्थानों पे लिखा हुआ है, अंजील में भी लिखा हुआ है, लेकिन एक पत्री में से मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। 1 करिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो यहाँ प्रभु भोज के बारे में कोई बात की गई है। मैं सिर्फ आपका ध्यान यह दिलाना चाह रहा हूँ कि उस दिन जब आप प्रभु भोज लेंगे रात 8 बजे इंडियन टाइम रात 8 बजे 1 अप्रैल को, तो आपको अपने पास कुछ रखना है, और वो क्या रखना है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बार ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि डेली रोज़ाना प्रभु भोज लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 1 हफ्ते में 1 बार जरूर लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 1 महीने में 1 बार जरूर लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 1 साल में 1 बार जरूर लेना चाहिए। ठीक है, जो भी वो सोचते हैं वो सोच सकते हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर के वचन में इसके लिए ये नहीं कहा गया कि हर सप्ताह रोज़ाना, ऐसा नहीं लिखा गया। यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपने अभी सुना है जैसे, और उसका 25 वचन और 26 वचन में लिखा हुआ, 1 करिन्थियों 11 अध्याय में, जब कभी पियो, जब कभी तुम ये रोटी खाते, जब कभी, तो जैसे पवित्र आत्मा आपको गाइड करे आप प्रभु भोज ले सकते हो। मेरी अपनी राय है, हम लोग रोज़ाना नहीं लेते, हर हफ्ते भी नहीं हम लोग लेते, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही अति पवित्र 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 जो है वो एक रस्म है, जिसे हम लोग ऐसे ही मतलब हर समय 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 हर समय प्रभु भोज को ग्रहण करते रहें, नहीं, हम लोग समय समय में बीच बीच में हम लोग प्रभु भोज करते हैं। तो इसमें जो लोग रोज़ाना करते हैं और जैसे करते हैं, जैसे उन्हें उनके मन में उनकी समझ बुद्धि है वैसा वो कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको रोज़ाना या 1 हफ्ते बाद या कब कब करना है। तो यहाँ लिखा है जब कभी, जब कभी, जब कभी। तो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने पास्टर को या किसी को इसके बारे में मत कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप तो हर सप्ताह देते हो ऐसा ठीक नहीं है, बिशप जी तो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन भी जब जब वो करते हैं अच्छा करते हैं। और शनिवार को तो हम लोगों ने चर्च में जो हमारे प्रोग्राम है 2 अप्रैल को शनिवार सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है, उस दिन हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, प्रभु भोज रखा हुआ चर्च के अंदर। आप लोग जो चर्च के अंदर आएंगे उस दिन प्रभु भोज आप चर्च में आकर ले सकेंगे, और उस दिन एक विशेष कार्य भी किया जाएगा, वो है पांव धोने का कार्य है। तो हम लोग जो चर्च में आएंगे उनके, मैं और मेरे परिवार के लोग, हम सब लोग क्या करेंगे, उनके पांव धोएंगे, क्योंकि परमेश्वर मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए थे, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों को जो है पांव धोना चाहते हैं। और अक्सर हम हर साल में 1 बार जरूर करते हैं, कई बार 2 बार करते हैं, लेकिन हर साल 1 बार हम लोग जरूर करते हैं, है ना, 2 बार भी 3 बार भी जैसे भी हो, लेकिन 1 बार हम लोग साल में जरूर करते हैं, सभी के पांव धोते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, पत्रस कहते नहीं नहीं आप प्रभु जी मेरे पांव नहीं धो सकते, तो प्रभु जी कहते हैं कि फिर तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं अगर तूने पांव नहीं धुलाने तो फिर पत्रस कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे पूरे नहलाई दो, तो प्रभु कहते नहीं, जो 1 बार नहा चुके हैं उनके पांव धोने के सिवाय और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, यानी कि जो बपतिस्मा ले चुके हैं उनके पांव धोए जाने चाहिए। और ठीक है जैसे भी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उस दिन आपको अपने पास क्या रखना है, एक आपको ब्रेड रखना है, ठीक है,
एक ब्रेड रखना है और मैं आपको उस दिन जैसे बताऊंगा, आप ब्रेड रखना है ठीक है, और ब्रेड ब्रेड हो आसानी से मिल जाता है क्योंकि परमेश्वर मसीह के पास ब्रेड था, और जहाँ डबल रोटी हो है ना, दुकान से आम ही गांव में ब्रेड मिलता है, गांव में ही डबल रोटी मिल जाती है, तो आप ब्रेड ले सकते हैं और उसे तोड़ सकते हैं। अभी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, उस दिन आपको समझाऊंगा, तो उसको तोड़ सकते हैं घर में जितने भी आपके लोग हैं जो बपतिस्मा पाए हुए हैं, विशेष वो लोग बपतिस्मा पाए हुए लोग जो हैं उसको प्रभु भोज को ले सकते हैं, उसके तोड़कर आपकी इच्छा के अनुसार इतना पीस जहाँ आप छोटा ऐसे जैसे भी आप चाहें उसको कर सकते हैं। दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, कटोरा भी लिया, कटोरा जो था उनके पास दाखरस था है ना, अंगूरों का जूस था ऐसा कहूँ तो मैं, तो अंगूरों का जूस था, तो आप उस दिन जिस दिन मैं आपको प्रभु भोज दूंगा तो आप अपने घर पर ब्रेड या डबल रोटी, हाँ एक बात और, अगर डबल रोटी भी नहीं है या ब्रेड भी नहीं है तो आप रोटी घर में जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं है ना, रोटी को जो भी रोटी है आपके घर में एक छोटी सी रोटी बना के अलग शुद्धताई के साथ उसे रख सकते हैं, एक रोटी है ना, जहाँ छोटी सी रोटी जो भी, तो आप उसे कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा जो प्रेयर वाला प्रेयर हो गया, मान लो इस ब्रेड के ऊपर पूरी तरह प्रेयर हो गई उस दिन जब प्रेयर हो गई तो आपने ये नहीं कि इतना सदा खा लिया और इसको फेंक देना है, ये आपने सोचना है कि ये परमेश्वर मसीह का शरीर है ना, इसके इसका एक छोटा सा कण जो प्लेट के साथ लगा रह जाता वो भी नहीं लगा रहना चाहिए, उसको आपको खा लेना है ठीक है, या जिसने बपतिस्मा लिया हुआ उसको आप खिला सकते हैं ले सकते हैं। तो साथ में अंगूरों का जूस था, तो आप आजकल तो गांव में भी मिल जाता है, शहरों में तो मिलता ही है, तो आप अंगूरों का जूस जो है वो ले सकते हैं, ऐसा ये काले अंगूर हैं ठीक है, रियल का है, रियल कंपनी का ये काले अंगूर हैं, तो यहाँ पर हरे रंग हरे जो अंगूर होते हैं यहाँ नहीं मिले, तो काले अंगूर हैं आप ले सकते हैं, हरे अंगूरों का रंग वाला जूस जो होता है वो उसको ले सकते हैं है ना, तो जो भी आपको जूस मिले आप अंगूरों का जूस ले सकते हैं ठीक है। ये सिर्फ 20 रुपए का आएगा, 10 रुपए का भी आ जाता है, अगर आप घर में ज़्यादा जन हैं तो 1 लीटर भी आप ले सकते हैं 100 रुपए का, नहीं तो इसमें तो काफ़ी लोग पी सकते हैं है ना, इसको आप कुछ गलासियाँ रख सकते हैं, जितने घर के लोग 2 हैं 3 हैं 4 हैं तो गलासियाँ रख सकते हैं, तो उन गलासियों में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, 1 चम्मच भी हो कोई बात नहीं ना, इसमें से कितने लोग पी सकते हैं, तो 20 रुपये 10 रुपये प्रभु के लिए खर्चना अपने लिए आपके लिए या मेरे लिए या किसी के लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं और पानी के ऊपर प्रार्थना करके तो पानी को पी लेते हैं कि यह प्रभु भोज है, ठीक है जो भी वो सोचते हैं सोचें, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अंगूरों का जूस होना चाहिए, आप अंगूरों का जूस अपने पास रखिए, पहले तैयारी कर लीजिए, अब गांव में है तो किसी को बोल दीजिए कि शहर से आएगा तो आता हो लेते आएगा, आपके घर में दूध वाला आता है सब्जी वाले आते हैं उनको किसी को बोलिएगा वो आपके पास पहुंचा देगा, 10-20 रुपए की बात होती है, तो अंगूर का जूस आपको रखना है। हाँ अगर आपको नहीं मिलता, जैसे हमारे यहाँ पर हरे नहीं मिले, तो अगर आपको अंगूर मिल रहे हैं मार्केट में, अभी तो अंगूर बहुत हैं, तो अंगूर मिल रहे हैं तो अंगूर का जूस बना लीजिए, नहीं तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दाखरस बनाने का तरीका, आप क्या कर सकते हैं दाखें ले सकते हैं, जैसे ये दाखें हैं है ना, कुछ दाखें कहते हैं इसे, कुछ किसमिस कहते हैं ठीक है, तो किसमिस या दाख आप ले सकते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको लेकर 2-4-5 रुपए की ज़्यादा नहीं, तो अभी गर्मी है मौसम है, तो आप 1 जन हो 2 जन हो 4 जन हो उस हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हैं थोड़ी सी दाखें ली ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पानी लिया, पानी के अंदर इनको उबाल देना है ठीक है, इनका जूस निकल जाएगा, इनका जो साता है वो निकल जाएगा, पानी के अंदर उबालना है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा क्योंकि वो पानी सूखेगा, ये थोड़ी देर तक ऊपर इसको आग पर रखना होगा तो वो सूख जाएगा, तो फिर इसको आप इसको उबाल कर
तो वो जूस बन जाएगा, और जो ये निकलेगा बीच में से ऐसे, इसको बाहर निकाल लीजिएगा, आप उसको छान सकते हैं चाय पानी से या किसी और वस्तु से, तो जो जूस जूस नीचे रह जाएगा। तो आपको जितना भी चाहिए, अगर ज़्यादा जन है तो ज़्यादा ले सकते हैं, अगर दो चार जन है तो इतना को ले सकते हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, 5 रुपये की 10 रुपये की ये बात है। तो आप इसका जूस पानी में उबाल कर बना सकते हैं जब भी प्रभु भोज होता है। पहले समय में जब अंगूरों के जूस ऐसे पैकिंग में नहीं आते थे, आज से 30 साल पहले, तो हम लोग इनका ही बनाते थे, है ना। तो अभी तो हम लोग जैसे चर्च में है, उस दिन तो हम लोग इसराइल से लेकर आए हैं, और वो उसके अंदर जूस के अंदर मिक्स करेंगे सबके लिए। तो आपको ये अपने पास उस दिन रखना है, और फिर हम लोग मिलकर प्रभु भोज देंगे, प्रार्थना करेंगे, और मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, और उसके वचन के बारे में, इसके बारे में और अधिक उस दिन सीखेंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके साथ रहे। याद रखिएगा 1 अप्रैल को, ना 1 अप्रैल को वीरवार का दिन है, जो 1 अप्रैल को वीरवार के दिन रात को इंडियन टाइम 8 बजे, ठीक है, चमत्कार चर्च टीवी पर, चमत्कार चर्च टीवी यूट्यूब चैनल जो हमारा आपको मालूम है, चमत्कार चर्च टीवी। सो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दें, आपके साथ रहें।